डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट वन के रूप में। और चलते हैं हम आगे इसके सॉल्यूशन पे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ए टू जेड क्वेश्चंस के। और इस पीडीएफ को आप आंसर के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको कम्प्लीट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ये जो पूरा पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि इसका पासवर्ड जो मैं बताऊँ आप उसको डाउनलोड करें। तो पासवर्ड ओपन करने के लिए मांगेगा, तो आप उसको डाल देना, ओपन हो जाएगा, उसको सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीडीटी प्रतिरोधी मच्छर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो उत्परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में पार्श्ववीर्य जड़ों की उत्पत्ति किस प्रकार की जाती है? तो अंतर्जात की जाती है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुल क्रूसीफेरी के सदस्य हैं, यानी कि जो क्रूसीफेरी है इसके कुल का कौन सा सदस्य है? तो सरसों इसका सदस्य है, ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं, प्रदूषण को रोका जा सकता है, किस किस से रोका जा सकता है? तो वाहित मल के उपचार से, ठीक है। जो हम मल त्यागते हैं उसका जो बह रहा है उसको, मतलब हम एक जगह कहीं उसको वो करें, डंप करें। दूसरा, बिजली से चलने वाले वाहन के उत्पादन से, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो आपका तीसरा ऑप्शन है, परमाणु विस्फोटक पर नियंत्रण से, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आ गया, सिंह लिंग से पीड़ित व्यक्ति में रोग पनप नहीं सकता, कौन सा रोग नहीं पनप सकता? तो मलेरिया। उसके बाद में खंड ब में अगर आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लैंक स्पेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर देखिए, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल कहते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इंटरफेरॉन मधुमेह के उपचार में काम आता है, डबल रोटी पर राइजो पस का संवर्धन किया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु होते हैं। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो वैज्ञानिक विधि से उत्पन्न बीजों द्वारा फलों की अच्छी पैदावार करना हरित क्रांति कहलाती है, ठीक है। गाय की दो उन्नत नस्लों के नाम आपको बताना है, तो कौन कौन सी हो जाएगी? साहीवाल हो जाएगी और एक फ्रीजियन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को का नाम लिखना है, तो जयांग बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में एक आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कीट भक्षी पौधे कीड़ों को मारकर क्यों खा जाते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन जो है वो पूरा नहीं मिल पाता है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कीट भक्षी पौधे दलदली एवं लवणीय भूमि में पैदा होते हैं, इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिसे पूरा करने के लिए पौधे कीट भक्षी बन जाते हैं। उसके बाद में अपस्थानिक जड़ तंत्र किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, ये बताइए। तो इसका आंसर सामने है, अपस्थानिक जड़ तंत्र। इस जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ छोटी व अल्प विकसित रह जाती है, और महीन व पतली रिश्तेदार जड़ का गुच्छा मूलांकुर एवं प्रांकुर के आधारीय भाग से विकसित होता है, तथा झकड़ा जड़ तंत्र कहलाता है, ठीक है। इसमें जड़ें छोटी, कम शाखित, सतही तथा क्षैतिज रूप से फैली होती है। यह जड़ तंत्र पौधों को दृढ़ता से जमाए रख नहीं पाता है, क्योंकि जड़ें भूमि की गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। एक बीजीय पत्री पौधों जैसे मक्का, घास, गेहूं का मुख्य जड़ तंत्र है, यानी कि यही आपका जो है इसका उदाहरण भी दे दिया गया है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन जो है, तनों के भूमिगत रूपांतरण कौन कौन से हैं, उदाहरण भी लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको रूपांतरण कौन कौन से है आपको उसके उदाहरण भी लिखने हैं, यह ध्यान रखना है। जैसे कि रूपांतरण में प्रकंद हो जाएगा, उसके बाद में स्तंभ कंद हो जाएगा, शल्क कंद हो जाएगा और घन कंद हो जाएगा। इन सभी के एक एक उदाहरण देने, तो अदरक हो जाएगा, इसका आलू हो जाएगा, इसका प्याज, ठीक है। इसी तरह से आगे अगर हम बात करें घन कंद की, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बंडा या जिम्मी कंद जिसको बोलते हैं हम, बड़ा सा होता है ना। उसके बाद एनीमिया अवस्था क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये एनीमिया अवस्था सिंपल है कि रोग ये नहीं है, ये एक्चुअली एक रोग ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली ये खून की कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब ये है कि आपका जो शरीर है वो उसमें खून की कमी आ जाएगी, और रक्त की कमी होने से जो है ऑक्सीजन की भी कमी होने लग जाएगी, फलस्वरूप शीघ्र ही थक जाना होगा। इस रोग के उपचार हेतु रोगी को ऐसे पदार्थ भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें लोह तत्व अधिक पाया जाता है, जैसे हरी पत्तेदार साग सब्जियां, अंडा, दूध, अंकुरित बीज आदि,
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। और ज़्यादातर ज़्यादा दिक्कत होती है तो बॉटल भी चढ़ानी पड़ती है, और उससे कम होती है तो टैबलेट से भी काम चल जाता है। इंटरमीडिएट सल जिसमें गाजर चुकंदर वगैरह खाने को ही बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अथवा में है पाचन क्रिया में पीत रस के कोई चार कार्य लिखे, पीत रस, बाइल जूस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब। तो ये आमाशय में, आमाशय से आए गए भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है, ठीक है। हमारा एसिडिक जो भोजन होता है ना उसको क्षारीय माध्यम में बनाता है, ठीक है। उसके बाद में ये वसा का अम्लीकरण कर देता है, इससे लाइपेज वसा का पाचन कर सके। यह अग्नाशय रस के एस्टिएप्सिन को क्रियाशील बनाता है, स्टिप्सिन को क्रियाशील बनाता है। यह आंत की दीवार को क्रमानुकुंचन के लिए प्रेरित करता है। एक तो ये बायोलॉजी के थोड़े से ये जो वर्ड्स है ना ये बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं पढ़ने में। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है। तो बाइल जूस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी पीतरस आपका बहुत ही है, और इसको पीतरस जो है ना ये आपका अगर एक्सेस हो जाए ना तो इससे मृत्यु भी हो जाती है, इसमें भी कारण है आपका, है ना। चलिए, पर परागण की क्रिया के साधन क्या है, पर परागण के लाभ लिखने हैं आपको। तो इसके साधन क्या होते हैं, जल, वायु, कीट, पक्षी और अन्य प्राणियों के द्वारा होता है। और पर परागण के लाभ क्या क्या है तो वो आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनको आराम से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्यूनिशेशन से आप क्या समझते हैं। तो द्यूनिशेशन की खोज नासोचीन जो 1998 में फ्रिटिलेरिया व लिलियम पौधे में की थी, ठीक है। एक नर युग्मक अंड से संलयन कर द्विगुणित युग्मज यानी जायगोट बनता है, जिसे सत्य निषेचन या उग्मक संलयन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लस से संलयन कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। यह द्विनिषेचन कहलाता है। आगे समझ में, इससे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। अब इसके आगे आप समझ सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में आराम से आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे जैविक घटक की बात करें यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें उत्पादक हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर हो जाता है, ठीक है। इसमें फिर शाकाहारी भी आते हैं इसमें आपके, ठीक है ना। उसके बाद में आपका अपघटक यानी डिकम्पोजर्स हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम अजैविक घटकों की बात करें, ए बायोटिक कंपोनेंट, कभी कभी ए बायोटिक और बायोटिक रेस्पिरेशन में अंतर भी पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी जैविक और अजैविक श्वसन में क्या अंतर है ये आपको बताना होता है। इसके बाद में अजैविक घटक जो है भौतिक घटक है आपका, अकार्बनिक पदार्थ जो है ये भी उसमें आता है और कार्बनिक पदार्थ ये भी उसमें आते हैं। सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अथवा मैं ग्रीन हाउस का संक्षेप में वर्णन करिए। या 10वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो ग्रीन हाउस, इतना तो आपको तगड़ा याद हो चुका होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मेंडल के प्रायोगिकता के नियम को उदाहरण से ही समझाइए। लो 10वीं का क्वेश्चन उठा के पटक दिया है, उसमें भी क्या है यार, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो प्रायोगिकता का नियम क्या है ये आपको बताना है, और इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दे करके आप उसको समझा सकते हैं, जिसमें इन्होंने एक बड़े शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक छोटे छोटे बाने बोने बोने पौधे लिए थे, और जब इन्होंने संकरण करा तो संकरण से संकरण लंबा हुआ, यानी कि जो पौधा हुआ वो लंबा ही बना, यानी कि छोटा और दोनों के मेल से बना। निम्नलिखित शब्दों को समझाना है जिसमें आरएच कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरएच, ठीक है। आरएच क्या होता है, तो आरएच फैक्टर क्या होता है ये आप बता सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बता सकते हैं क्या, आप में से किसी को पता हो तो मेरे को आरएच का फुल फॉर्म बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते। और उसके आगे नेक्स्ट जो सेकंड है इसको भी आपको एमनियोसेंटेसिस जो है इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, समझाना है। जैसे कि आपको आरएच समझा रहे हैं वैसे ही इसको भी डिफाइन करना है। और आपसे दो चीज़, एक चीज़ मैंने पूछ ली आरएच का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर मुझे बताइए, मुझे तो पता है लेकिन मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा और ज्ञान है तो मुझे बता देना पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच जानते हैं, पीएच पेपर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ पीएच का, तो लेकिन आरएच आपको पूछा है तो मैं आप ही जवाब देंगे। पीएच का होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका इसकी क्रियाविधि तो आप समझा देंगे, समझाने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे कुक्कुट पक्षियों में विषाणु जनित रोग के नाम लिखने हैं। कुक्कुट पक्षी, कुक्कुट,
तो यहाँ पे कुकुट पक्षियों के विषाणु जनित रोगों के नाम कौन से हैं? रानीखेत रोग। देखो नाम तो ऐसा है, रोग ना हुआ कहीं की रानी होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बायोलॉजी में क्या बहुत सारी चीज़ों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो आपसे पच नहीं पाएंगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे जाके आप डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी बनेंगे तो ये बायोलॉजी पढ़ के ही बनेंगे, तो आपको इस पर बहुत ध्यान रखना है, फोकस करना है। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट में जाएंगे तो आपको मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होगी, और आप उसको पूरा करेंगे कंपनीज़ में जाकर के, जहाँ पर आप फार्मा कंपनी में जाएंगे और वहाँ पर स्टाइल एरिया होता है जहाँ पर 0.03 माइक्रोन के फिल्टर्स लगे रहते हैं जिनको हेप्पा फिल्टर्स बोलते हैं। चलिए उसके बारे में हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़िए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये कुक्कुट पक्षियों के विषाणु जनित रोग के नाम क्या है, तो रानीखेत जैसे है आपका। उसके अलावा आप और भी बता सकते हैं, पक्षी चंचक नाम का है, संक्रामक काइटिस है और बुरलिसिस्टिस है, और पक्षियों का जो है और भी है, पता नहीं क्या कितने बड़े बड़े नाम हैं, और मरेक रोग है। इस तरह से ये क्रोनिक रोग है जो श्वसन के लिए जाना जाता है, तो इस तरह से ये रोग हैं। अथवा में है मुक्ता उद्योग का संक्षिप्त वर्णन करना है, पर्ल इंडस्ट्री, मुक्ता उपयोग, पर्ल 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 समझते हैं ना आप, हाँ पर्ल वही। तो ये समुद्र तटों पर मुक्ता सीपियों को पाल कर उनसे कृत्रिम तरीके से मोतियों का निर्माण करने की क्रिया को मुक्ता उद्योग कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा, ये आपका 10th क्लास में पढ़ा होगा, पर्ल जो है, पर्ल इंडस्ट्री जो है वो घरों में क्या है, वहाँ से सीप लाते हैं, उसको फिर अपने तालाब में डालते हैं और उसके हिसाब से वो लोग उसकी खेती बाड़ी भी करते हैं। जापान में ये उद्योग एक्चुअली बहुत ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा भंडार, मान लो इसका एक तरह से बहुत ज़्यादा कल्चर छाया हुआ है, तो वहाँ पे इसकी होती है। बाकी चीज़ आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है, स्टोमेटा रंध्र की संरचना आपको समझानी है। तो सबसे पहले तो आपको रंध्र के जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान उगलना होगा यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आपने किस टाइप से अपनी तैयारी कर रखी है। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना होगा, समस्या का समाधान यहाँ से शुरू होगा, और आगे जब बढ़ेंगे ना तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना होगा, अदरवाइज़ आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो स्टोमाटा ऐसा ही है, ये एक तरह से देखिए आपका फूल होता है, चारों तरफ से ये फूल है, ठीक है। ऐसे करके आप फूल बना दोगे, पंखड़ियों वाला मैं ऐसे बना रहा हूँ, जैसे ये फूल बना दिया। इसके बीच में आपको आधा फाक इधर का लेना है और आधा फाक इधर का लेना है बस, और बीच में ऐसे गोला कर देना, ये हो गया आपका स्टोमाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, इसमें नाम लिख देंगे, सभी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। किण्वन क्या है, यानी फर्मेंटेशन क्या है भैया? फर्मेंटेशन बहुत तगड़ी चीज़ है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक एंजाइम के उपयोग से कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा को अल्कोहल में बदला जाता है, यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी कि जो आपकी शराब बनती है ना अल्कोहल, वो कौन से मीडियम से बनता है? तो किण्वन विधि से, यानी फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है गुरुजी। चलो, तो इसका व्यापारिक महत्व तो क्या है कि ये पनीर उद्योग में, योगर्ट निर्माण में, अल्कोहल देखो आ गया भाई, अल्कोहल निर्माण में और प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है। अभी मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सब कोई जानता है कि अल्कोहल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, पनीर तो आपने खाया ही है, उससे अच्छा दही तो रोजाना चखते ही हो आप। कैंसर क्या है, इसके प्रकार एवं कारणों को संक्षिप्त में वर्णन करें। और ये जो बेसिक चीज़ें के क्वेश्चन पूछते तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों ने, बच्चे जाकर के ना फोड़ देंगे पेपर को। तो कैंसर के प्रकार आपको बताना है, इसमें कार्सिनोमास होता है और सार्कोमास होता है, लिम्फोमास होता है, इस तरह के सारे कैंसर के प्रकार से ही इन सभी को आपको पढ़ना है, याद करना है, और उसके बाद में कारण ज़रूर लिखना है प्रभु। कारण नहीं लिखोगे तो आधे नंबर तो कट जाएंगे ना, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलेंगे। तो कैंसर के कारण भी आपको लिखने हैं, और बहुत इजी कारण होते हैं, ठीक है साहब। और अगर आपसे इसकी रोकथाम पूछी जाए तो रोकथाम भी आपको बताना होगा। तो ये कारण आपके सामने है, मैं कारण पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और उसके अलावा ये हार्मोनिक भी होते हैं, सूर्य के किरणों से होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से होते हैं, और दूसरी तरह के जो रासायनिक चीज़ें का सेवन करता है इंसान उनसे होते हैं, और भी भौतिक कारण हैं, रासायनिक कारण हैं, और कुछ तो आप जानते हैं, धूम्रकान, अल्कोहल, सुपारी और गांजा बीड़ी, ये सब तो है ही रीज़न, है ना। चलिए, रोकथाम में तो आप क्या करोगे, वही चीज़ जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ छोड़ देंगे बस। तो सही दवा नहीं बनी है अभी तक,
तो इसके लिए हम क्या है, धूम्रपान छोड़ देंगे, शराब सेवन छोड़ देंगे, तंबाकू का परहेज करेंगे, नियमित दिनचर्या रखेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे विटामिन और जो मिनरल्स वाले फूड हैं उनको हम गेन करेंगे, उनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने ज्ञान की बातें अपने माइंड से भी लिखा करो, तो आपके नंबर कटते हुए भी आपको जो नहीं आ रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, टेंशन फ्री रहे, मस्ती में रहे। आगे बढ़ते हैं। अथवा पोलियो रोग किसके द्वारा होता है, इस रोग के कारण एवं लक्षण लिखने हैं। भैया पोलियो रोग जो है ना, ये भी एक बीमारी है और ये बहुत भयंकर बीमारी, बताओ भी किसी बच्चे की गलती नहीं होती उसके साथ भी ऐसा हो जाता है, तो मुझे ये पोलियो रोग है ना सही नहीं लगता। ठीक है ना, मेरी मानना है कि पोलियो रोग होना नहीं चाहिए वैसे। एक्चुअली देखो, एक जन्मजात बच्चा पोलियो रोगी हो जाता है वो भी बहुत दिक्कत है ना, और अब तो खैर टीका आ गए हैं जो बचाती है पोलियो से, लेकिन पहले के बच्चे बताओ कैसे होते होंगे। कोई बात नहीं, और जो पोलियो विषाणु है, पोलियो वायरस है, वो आपका संक्रमक काल उसका क्या है ये आपको बताना है, और प्रकटन काल क्या है, और रोग के लक्षण क्या है, ये सारे के सारे आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको आपको माइंड रीड करना है, माइंड रीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाई रो गाय रा का नामांकित चित्र बनाना है आपको, तो इस तरह का नामांकित चित्र बनेगा। इसमें थोड़ा सा ये क्या है, एक्चुअली ये ब्लर हो चुका है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या है, आपको बुक से टैली कर लेना है, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे तो इसमें शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम बनाना है। इसके आगे बढ़ते हैं, स्पाई रो गायरा, और इसका ए भाग और बी भाग जो दे रखा है इसको आपको देखना है। इसके अथवा में है, कायिक जनन के कोई तीन लाभ बताने हैं आपको, तो कोई भी तीन लाभ बता दीजिए, पचासों लाभ है, तो जनन एवं प्रसार तीव्र साधन है। ठीक है, संतति पौधे जनक के ही समान होते हैं, और खाद्य संभकारी अंगों के कारक कारण ये पौधे कई वर्षों तक जीवित बने रहते हैं। सजावटी पौधों और फलीदार वृक्षों की उन्नत किस्मों की संख्या आसानी से बढ़ाई जा सकती है इस विधि के द्वारा, और कायिक जनन बहुत सारे पौधों के प्रबंधन का त्रिगामी आसान और कम खर्चीला तरीका भी है। तो बहुत सारे हो गए ना, आप कोई सा भी याद कर लीजिए। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन, मनुष्य के वृक का जो है आपको चित्र बनाना है। चित्र जो है मटर के दाने के समान ऐसा ही होता है ये वक्र, और इसमें कुछ ये डंठल सी यानी कि नलियाँ निकली रहती है, और ये इसमें नेफ्रॉन टाइप में संरचना जो होती है ना, ये ऐसे 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 ये होती है। तो इन सभी के नाम लिख देने हैं आपको, और ज़रूर लिखना है, नाम बिना तो आपको नंबर मिलने के नहीं है। ठीक है, तो नाम जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क एवं रज्जु के कार्यों को लिखिए। तो सबसे पहले मस्तिष्क के कार्य को लिख दीजिए। ठीक है, इसमें सेरेबम होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद में आप इसको पूरे को एक दो तीन जैसे चार पॉइंट आप बता सकते हैं। अपर मस्तिष्क के तीन कार्य लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं ख पोर्शन में। इसी तरह से आपको आराम से देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए नीचे, तो यहाँ पर है डायना सेफलान। ये आपको जो डायन सेफलान है, इसके दो भाग होते हैं, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो दोनों को वर्णन कर देंगे। अनुमस्तिष्क के दो कार्य होते हैं, ये हमने यहाँ पे ग पार्ट में इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं, मेडुला आबला गेटा, इसके भी क्या कार्य हैं, और मेरुरज्जु के कार्य हम दे दिए। तो यह मेरुरज्जु के कार्य एक्चुअली कम हैं, लेकिन उसके बहुत सारे कार्य तो हमें दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि भाई साहब ये भी होता है, तो एग्जामिनर हमको नंबर देता है। ठीक है ना भाई साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समसूत्री विभाजन एम अर्धसूत्री विभाजन में छह अंतर लिखने हैं, तो हमेशा जब अंतर लिखो ना तो आमने सामने लिखो। जैसे एक पॉइंट ये है ना इसका, ये समसूत्री विभाजन का मिटोसिस का, तो यहाँ पे मियोटिसिस का जो है ना वो इधर लिखना है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने लिखोगे। एक नंबर इधर डाला है तो एक नंबर यहाँ डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी सामने लिखना है। इसी तरह दूसरा नंबर लिखना है, उसके सामने दूसरा नंबर इधर लिखना है, तीसरा इधर लिखना है तो तीसरा इधर। इससे क्या होगा कि आप आसानी से, एक में होगा एक में नहीं होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा, ये होता है, तो सिंपली आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है आसान तरीका टेबुलर फॉर्म, जब भी आपको पूछा जाए अंतर। छः बताने थे तो आप छः से ज़्यादा लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, अगर आपको नहीं आता है तो छः तक तो कम से कम लिखना भैया, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, छः पूछे गए थे तो आपको छः लिखने हैं, छः आपके सामने हैं, आठ सामने हैं आपके। अथवा में है, जाइलम एवं फ्लोएम की संरचना के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना है, तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप उसे लिखेंगे तो आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा और लाइन वाइज आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपको आएगी दिक्कत, और इस फॉर्म में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उत्तक के अगर हम बात करें तो ट्रेडिक उत्तक, और इसमें सजीव या मृत होता है तो मृत होता है। संरचना कैसी होती है, नुकीले छेरो
छोरों वाली लंबी कोशिकाएं होती हैं और ये सभी मिलकर के एक इकाई के रूप में काम करते हैं। वे पानी को जड़ों से लेकर के ऊपर की तरफ पत्तियों तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली ये पत्तियों तक पहुंचाना ये काम इनका तो है, लेकिन उत्तरदायी कौन है? तो उत्तरदायी जो हैं इसमें फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं वो बहुत पतली होती हैं, आपके बालों से भी पतली। तो उनके थ्रू जब भी आप पानी को देखेंगे तो पानी अगर आप नीचे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगी। एक बार एक कांड हुआ था, आपको याद होगा कि गणेश जी ने अपने सूंड से पूरे भारत में दूध पिया था। अगर आपने सुना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, फिर छोड़िए। तो कैपिलरी ट्यूब की वजह से ही हुआ था। तो उसमें क्या होता, गणेश जी के लिए बहुत सारा दूध बहाया गया, दुनिया ने नाश कर दिया। गणेश जी ने दूध तो पिया नहीं, लेकिन दूध का नाश जरूर हुआ। चलिए दूसरे हम बात कर सकते हैं कोशिकाओं के लिए, ये भी मृत के हिसाब से। और इसके बाद में इसके जो जो हैं चीज़ें हम लिख सकते हैं, जाइलम रेशे मृत, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सारे के सारी चीज़ें आराम से देख सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी पहले मैं इसको आपको दिखा दूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। तो ये है सहचर यानी सखी कोशिका, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम उसके बाद में और भी है क्या, बस इतना ही बहुत है। चार पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट आपको देखना है, पढ़ना है। इसमें से एक दो पॉइंट अगर आप भूलते हैं तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो आप इसमें इस वीडियो का पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड जब करेंगे तो आपको 7575 यानी 7575 डालना है। 7575 इसका पीडीएफ का पासवर्ड है, 7575। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, प्रगमयता परासरण दिव्य जीव द्रव्य कुंचन। भाई साहब ऐसे है जैसे हनुमान का वो पाठ करते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा, उस टाइप के नाम लिख रहे हैं, कुंचन हरत। चलिए कोई बात नहीं, तो प्रगमयता आपको बतानी है और उसके बाद में परासरण बताना है। परासरण के बाद में आपको देखिए, परासरण आप बता सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी, कम लिखेंगे चलेगा, डायग्राम बना दिया तो समझ गए आप, तो ये ज़रूर आपको करना है। और जीव द्रव्य कुंचन ये जो हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पार्ट है, ये ज़रूर आपको लिखना है। अथवा में आ गए हम, वाष्पोत्सर्जन क्या हैं? अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके महत्व भी आपको बताना है। तो भाई साहब वाष्पोत्सर्जन क्या है ये आपको बताना है, क्यूटिल्स वातरंध्र और रंध्र, ये सब आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद में क्यूटिल्स वातरंध्र और रंध्र को आपको डिसाइड कर देना है, ये तीन पॉइंट से बना के। वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व है वो भी आप लिख सकते हैं। इनको क्या है, पानी के अवशोषण में काम आता है, जल की गति जो वेग है उसको बढ़ाता है, खनिज लवणों का परिवहन करता है और ठंडक भी पहुंचाता है, गर्मी से होने वाली क्षति को भी बचाता है। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, टी कोशिकाओं के प्रकार एवं कार्यों को लिखना है। तो यहाँ पर टी कोशिकाओं के प्रकार और फिर आपको कार्य लिखना है। मारक टी कोशिकाएँ जो होती हैं ये आपके प्रकार में आ जाती हैं, इसकी क्या कार्य हैं ये बताया जाएगा। सहायक टी कोशिकाएँ होती हैं, दावक टी कोशिकाएँ होती हैं, इन सभी को आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अथवा पार्ट में मुर्गी पालन पर टिप्पणी लिखनी है, कोकून का निर्माण कैसे होता है, दो चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले मुर्गी पालन इन पोइट्री फार्मिंग के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं टिप्पणी। तो इस तरह से आपको टिप्पणी लिखनी है जिसमें आपका मुर्गी पालन के दो प्रमुख उद्देश्य है, अंडों की प्राप्ति और बढ़िया किस्म की अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मुर्ग फिंडे फिजेंट और टर्की और बतख का पालन करना भी आता है इसके अंदर। उसके बाद में भारतीय जो मुर्गों की भारतीय प्रजातियां हैं वो असील है, ब्रह्मा है, बसरा है, वेगस है और काराकांत है। तो इस तरह से इनके नाम हैं। और इसके बाद में मुर्गियों की यूरोपियन प्रजातियां जो हैं ये थोड़ी सी अलग टाइप की होती हैं, जिसमें आपकी वाइट लेगॉर्न हो जाता है और फाइमाउथ रोक न्यू हैम्पशायर हो जाएगा और रोड आइसलैंड रेड हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके चार इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में आप बाकी सारी चीज़ें इसमें आप पॉइंट वाइज एक एक करके सारी की सारी कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में लिख सकते हैं। और जितनी आपको ज़्यादा याद करेंगे उतना बेहतर होगा, कि अगर आप दो चार भूलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे की तरफ इसके, तो नेक्स्ट पार्ट इसका पूछा गया था कोकून निर्माण का। तो कोकून निर्माण जो है प्यूपा के चारों ओर धागे द्वारा बनी रचना को कोकून कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कोकून की रचना कैसे होती है, संरचना कैसे होती है, ये कितने मीटर लंबे धागे से बना होता है, कितना वजन होता है, क्या पीरियड होता है, ये सब आपको इसमें बताना होगा ताकि आपको जो है फुल मार्क्स मिल सकें। तो ये था आपका बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और इसका PDF पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसको नोट करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से स्टडी कर सकते हैं। आगे अदर जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत आती है या कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो समझिए कि वो अपलोडिंग में लगा हुआ है और आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।